इतनी भीड़ है कि वो मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही है। कटिहार का ये बड़ी दुर्गा मंदिर है और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये 150 साल पुरानी है। यहाँ फूस की झोपड़ी से लेकर मंदिर के तक की ये कहानी लगभग 150 साल पुरानी है। यहाँ भक्तों के जो तादाद दिन दूनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि भक्तों का जो मुरादें हैं मैया रानी पूरी करती हैं। और आज हमारे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, महिलाएं के साथ साथ बच्चे और बुजुर्ग सारे लोग आ रहे हैं मैया के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। अपनी जगह पर खड़े रहेंगे, आरती का वक्त है। अब जो जहां है वो अपना स्थान ग्रहण कर शांति से इंतजार करें आरती शुरू होने का। और साथ ही हमारे जो मंदिर के तमाम कार्यकर्ता बंधु हैं, प्रवेश द्वार निकास द्वार पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जहाँ मंदिर के बारे में कही जाती है कि लगभग ये मंदिर 150 साल पुरानी है और मंदिर के लिए जो एरिया है बहुत अच्छा खासा एरिया बड़ा है। और यहाँ मेले की जो तैयारी है वो पूरी तरह की कर दी गई है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। और मेले में हर बच्चों और बुजुर्ग के आने के बाद, महिलाएं आने के बाद, जो उसके लिए जो तैयारियां हैं जो देख रहे हैं कि झूला है और कई तरह की चीज़ें लगी हुई हैं मंदिर में। मेले के चारों तरफ CCTV कैमरा लगाया गया है, जो इस तरह के जो गलत मानसिकताओं के लोग हैं जो मेले में आएंगे उन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। मंदिर कमेटी के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, स्कॉट गाइड की टीम लगी हुई है और साथ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ जो पहुँचते हैं वो श्रद्धालु पहुँचते हैं, जिसमें कि ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो लोगों की सेवा करते हैं, किसी तरह की समस्या जो है उनको उनके करती है। पर सबसे ये जो पूरा कैंपस है यहाँ पे वो पूरी तरह CCTV कैमरे से लैस किया गया है। दो साल से कोरोना का भीड़ रहने के कारण नहीं हुआ, इस बार तो इतनी भीड़ है कि लोग को जो क्या बोले मतलब प्रतिमा की भीड़ में माँ दुर्गा जी के मंदिर में इतनी भीड़ है कि लोग मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही है। इतना भीड़ रहने के कारण जो जगह की कमी पड़ गई है कोरोना के बाद। आज 2 वर्ष के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं मेला में, बड़े अच्छा लग रहा है कि माता के दरबार में आए हैं। 2 साल से कोरोना के कारण हम लोग नहीं आ पाए थे, सभी लोग भक्त लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। कामना करते हैं कि हम लोगों के साथ साथ पूरा कटिहार वासी और पूरे विश्व को शांति की कामना बनी रहे, माता रानी से यही हमारी इच्छा है। पूरा मंदिर के तरफ से पूरी तैयारी की गई है कि मेले का आयोजन किया गया है, जो बच्चे और महिलाएं और बच्चियां जो आएंगी मेले आएंगी उनके लिए अलग अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है। सभी तरह के अलग अलग दुकानें हैं, सभी तरह की दुकानें खोली गई हैं। और यहां आप देख सकते हैं हमारे बगल में कि महिलाओं का जो उनकी जो श्रृंगार का जो सामान होता है उनकी दुकानें मौजूद हैं, जो आइसक्रीम है और कई तरह की जो छोटे बच्चों के लिए झूला का आयोजन है, जहाँ बच्चे छोटे बच्चे जो मेले के नाम से बड़े उत्साहित होते हैं वो यहाँ मौजूद होंगे, यहाँ आएंगे और इस तरह के झूले मेले का मैं अपना जो दुर्गा पूजा का जो उत्सव है उसको सेलिब्रेट करेंगे। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।